नमस्कार साथियों, लर्न पालम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, सीबीएसई 10th बोर्ड में जो व्याकरण का पाठ है उसके विषय में हम चर्चाएं करने वाले हैं। तो साथियों, सबसे पहले तुकागम संधि। सबसे पहली संधि तुकागम, इसके विषय में जानते हैं। बहुत ही सरल संधि है, बहुत ही सरल संधि है। ह्रस्व स्वर, जानते हैं छोटा स्वर। ह्रस्व स्वर कौन कौन से, जैसे ए, ई, उ, री, ली, इनको ह्रस्व स्वर बोलते हैं। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, आ, ई, उ, ए, ओ, आई, री, ये दीर्घ स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। तो साथियों, इनके बाद यदि छे आता है, छे, तो यहां पर क्या आ जाएगा, चे का आगम हो जाएगा, चे का आगम हो जाएगा। ऋष्व स्वर किसको बोलते हैं, इनको, पांच स्वर है। दीर्घ स्वर एक दो तीन चार पांच छह सात, पांच और सात बारह स्वर। तो ए का आ, ए का ई दीर्घ स्वर हो गया, ओ का ओ हो गया, यहां पर री का री हो गया, और ए आई ओ, और एक और रह गया साथियों औ। इस प्रकार संस्कृत में कुल 13 स्वर होते हैं। कहने का मतलब, अब सामान्य रूप से जानेंगे हम कि ये रफ कर दिया मैंने, ये भी रफ कर दिया, ठीक है। अब यहां लिखता हूं, इधर कोई भी स्वर हो, इधर कोई भी स्वर हो और इधर छह हो, तो यहां पर छह का आगम हो जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे, इतना ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो केवल आपको समझाने के लिए लिखा था। जैसे मैं लिख रहा हूं साथियों, अनु धन छेद है, अनु धन छेद है। तो देखिए, प्रथम जो शब्द है इसका अंतिम जो अक्षर है वो क्या है, उ। कैसे जानेंगे, हमने पिछली क्लास में जाना होगा कि किस प्रकार से वर्ण विन्यास करते हैं। देखिए, ये हो गया अनु, न में कौन से, कौन सा स्वर है, उ है, ठीक है, ये स्वर है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर चे का आगम हो जाएगा, तो हमारी संधि होगी अनुच्छेद, अनुच्छेद, ये हमारी संधि हो जाएगी अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद। इसको स्पष्ट लिख देता हूं, अनुच्छेद। नेक्स्ट है उदाहरण, परिधन छेद है, परिधन छेद। तो देखिए, प्रथम शब्द का अंतिम स्वर क्या है, ई, और आगे क्या है, छे। हमारी संधि का नियम क्या है कि प्रथम शब्द का अंतिम जो अक्षर हो स्वर होना चाहिए और इधर छे होना चाहिए, तो बीच में चे का आगम हो जाता है। तो क्या लिखेंगे, यहां पर चे का आगम हो जाएगा ऐसे, आधा चे, तो हमारी संधि हो जाएगी परिच्छेद है। क्या हो जाएगी हमारी संधि, परिच्छेद है, ये संधि हो जाएगी। नेक्स्ट है, जैसे लिख दिया लघु धन छेद है, लघु धन छेद है, तो यहां पर देखिए वो है, इधर छह है, तो यहां पर भी छह का आगम हो जाएगा। इधर छह है, आप कहेंगे यहां तो ए है, नहीं, व्यंजन के बाद में स्वर लिखा जाता है। कैसे, देखिए वर्ण विन्यास करते हैं, छे धन, ए धन, दे धन, ए धन, विसर्ग, इस प्रकार से वर्ण विन्यास करते हैं। तो ये हो गया छे दह, तो छे का आगम हुआ, तो हमारी संधि हुई लघु छेद, ये हमारी संधि हुई। नेक्स्ट है,
नेक्स्ट संधि के विषय में जानते हैं, नियम यही है। लक्ष्मी छाया, लक्ष्मी छाया, यहां पर देखिए स्वर है, इधर छह है, तो बीच में छह का आगम हो जाता है, तो हमारी संधि क्या हुई, लक्ष्मी छाया, ये हमारी संधि हो गई। नेक्स्ट उदाहरण, तरु छाया, तरु धन छाया, इधर क्या देखिए, इसका वर्ण विन्यास करते हैं, ते धन ए धन रे धन उ छोटा हुआ, तो ये उ आया है, यहां पर स्वर आ गया, इधर छह है, तो बीच में छह का आगम हो जाएगा, तो हमारी संधि क्या हुई साथियों, तरु छाया, ये संधि हुई है। नेक्स्ट है आ धन छादयति, आ धन छादयति, तो देखिए यहां पर स्वर है आ और इधर छह है, तो क्या लिखेंगे, यहां पर छह का आगम हो जाएगा, छह का आगम हो जाएगा, छह का आगम का मतलब छह आ जाएगा यहां पर बीच में, तो लिखेंगे हम आ छादयति, इस प्रकार से हम संधि लिखेंगे आ छादयति। तो साथियों यदि आपको इस प्रकार से मिलता है तो आपको विच्छेद करना है, तो आप विच्छेद करते समय भी ये नियम याद रखें, क्योंकि यदि छे के बीच में यदि छे आता है, छे के पहले कोई स्वर आता है, तो हम इस छे को हटा देंगे। देखिए यहां पर ये छे है और ये यहां पर स्वर है, तो हम विच्छेद करेंगे, तो आ लिखेंगे, छे को हटा देंगे, तो लिखेंगे छादयति, आच्छादयति, ये संधि विच्छेद हो गया। इसी प्रकार से देखिए यहां पर छह है और इधर स्वर है, बीच में छह आया है, हमारा नियम देखो, बीच में छह आया है, तो संधि विच्छेद करते समय हमें इस प्रकार से संधि विच्छेद करना होगा। तो इस तुकागम संधि को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, तो साथियों उदाहरण आप देखेंगे, सॉल्व करेंगे, और फिर भी यदि किसी प्रकार की कोई समझने में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करेंगे। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।